तो स्पेशली किड्स के लिए आप अपने लोगों ने ना छोटी छोटी चीज़ें बाय की हैं, लग रहे हैं ना इतने बिल्कुल नहीं है, ये बहुत खतरनाक किस्म के समोसा और साथ है व्यू। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो प्लेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो स्पेशली किड्स के लिए, आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके जाएं। सीरियसली आपके बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे और आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बच्चों को एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर पर लायंस, टाइगर्स, और ये सब कुछ आपको फ्री में देखने को मिल जाए तो सीरियसली आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, मैं आपको एक प्लेस रिकमेंड करने वाली हूँ जो टोटली फ्री है, आप इन एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश भी नहीं होता और एक क्वालिटी फैमिली टाइम यहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं। ये जो टाइम है ना गोल्डन आवर्स वाला, सीरियसली ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है। जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला होता है और आसमान पे हर तरह का रंग आपको देखने को मिलता है, सीरियसली ये मेरा फेवरेट टाइम है। इस टाइम को और भी स्पेशल बनाने के लिए हम लोगों ने ना छोटी छोटी चीज़ें बाय की हैं जो हम वहीं पे कहीं बैठ के इंजॉय करेंगे, फैमिली क्वालिटी टाइम और छोटी सी हमारी पिकनिक भी हो जाएगी। दुनिया बेशक चांद पे चली गई है, लेकिन मेरा मानना फिर भी यही है कि जो बेस्ट टाइम आपकी लाइफ का होता है ना, वो वही होता है जो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब आपके बच्चे आपसे खुश होते हैं ना, समझते वो बेस्ट पार्ट है आपकी लाइफ का। इसलिए वीकेंड्स पे या जब भी आपको मौका मिले थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाला करें। आप ज़ू जा सकते हैं, आप पार्क जा सकते हैं, आप किसी भी आउटडोर एरिया इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली छोटी सी पिकनिक प्लान कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये प्रमोट करते हैं आपकी फैमिली बॉन्ड को। पहुंच तो हम गए हैं लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए हैं। ये ज़ू है गार्डन सिटी बहरिया टाउन में और आजकल इसकी क्लोज टाइमिंग चल रही है 7 PM। आपने जब आना हो आप टाइमिंग देखे हैं, समर विंटर की अलग अलग टाइमिंग है। और ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ना, ये मेरी फेवरेट स्पॉट है इस पूरे एरिया में। पता नहीं क्यों लेकिन ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। इर्द गिर्द बड़े 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 दरख्त हैं और दरमियान में सिटिंग एरिया बना हुआ है बहुत क्यूट सा। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, लाइन्स की भी आपको डिफरेंट किस्म की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। बट हम विजिट कर रहे हैं बबलू और विक्टोरिया को, क्योंकि शामी को ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये सो रहे हैं और सोते हुए जितने क्यूट, स्वीट और इनोसेंट लग रहे हैं ना, इतने बिल्कुल नहीं है। ये बहुत खतरनाक किस्म की आवाज़ें भी निकालते हैं और अटैक भी करते हैं। इनकी अटैक की स्टोरी मैंने इससे पहले आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें कैसे खतरनाक तरीके से ये अटैक करते हैं। एक वर्कर ने हमें गाइड किया कि यहाँ पे एक न्यू टाइगर की एंट्री हो चुकी है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। तो बस शामिर और काजो चले गए हैं, न्यू टाइगर को वेलकम बोलने चले आए, हम भी चलते हैं देखते हैं कैसा है ये टाइगर, क्या कर रहा है। होप सो ये सो ना रहा हो। ये है जी बंगाली टाइगर और ये भी सो ही रहा है। लगता है सारे एनिमल्स जो उनसे ना कोई स्लीपिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और भरपूर तरीके से अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। देखे कितने मज़े से ये ड्रीमलैंड के मज़े ले रहा है, सोया हुआ है बहुत सुकून से। हम लोगों ने भी इसका सुकून ख़राब नहीं किया और हम यहाँ से चुपचाप आगे बढ़ गए। लायंस को हमने वहीं पे बोला बाय बाय और अब हम आ गए हैं डॉग्स प्लेस पे। यहाँ पे फ्रेंडली और वाइल्ड हर किस्म का डॉग आपको देखने को मिल जाएगा और शुक्र अल्लाह का ये सोए हुए नहीं थे, ये जाग रहे थे। और आपको एक बार बताऊँ, इनने बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी इनने बार्क किया और ऐसे अपनी टेल को हिलाया, बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसा ये हमें वेव कर रहे हैं, कह रहे हो हेलो। और ये डॉग देखें कितना क्यूट है, ये शामिर का फेवरेट है। तो सबसे पहले हमने इन्हें ही विजिट किया, ये बहुत मजे से ना अपनी टेल ऐसे वेव करते हैं, हेलो बोलते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे ही फीलिंग आती है जैसे ये हमें वेलकम कर रहे हो। और इसकी आईज देखें, डायमंड आईज हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी, वेरी ब्यूटीफुल सीरियसली। और अगर आप इस डॉग की तरफ जरा गौर करें ना, मैं थोड़ा करीब करती हूँ, थोड़ा जूम करती हूँ, आप गौर से चेक करें। इसकी एक आई जोन सी है वो ब्राउन है और एक आई जोन सी है वो डायमंड शेड की है। सीरियसली टू आईज एंड टोटली डिफरेंट, अल्लाह की कुदरत है ना, बस बहुत ही ये क्यूट हैं और ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इनके पास इस तरह खड़े हो जाओ, इनको देखो, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इन्हें हमारी लैंग्वेज की समझ है ना, हमें इनकी लैंग्वेज समझ आती है, लेकिन एक चीज़ है जो इनमें और हमारे दरमियान में एक ज़बरदस्त सा रिलेशन बना देती है और वो है प्यार। बेशक ये वाइल्ड एनिमल हों, बेशक फ्रेंडली एनिमल हों, बेशक बर्ड्स हों, प्यार की ज़ुबान ऐसी ज़ुबान है जो सभी को समझ आती है।
शामीर यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इसलिए आप भी अपने बच्चों को लाजमी लेके आएँ। टोटली फ्री है, कोई इसकी एंट्री फीस नहीं है, कुछ नहीं, आप यहाँ पे आके अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और रश तो आपने देख लिया, यहाँ पे बहुत थोड़े से लोग होते हैं, बिल्कुल भी रश नहीं होता। ये जो आपको साइड पर सारे केज नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के डॉग्स हैं। शामीर एक राउंड लेके वापस अपने हस्कीज के पास आ गया, ये शामीर को बहुत अच्छे लगते हैं। और हम ना जब से यहाँ पे आ रहे हैं ना, तब से शामीर सबसे पहले इनके पास आता है और ये भी बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। एक ना ऐसा लगता है ऐसा फ्रेंडशिप सी हो गई है शामीर की इन डॉग्स के साथ। ये देखें, ये कितना क्यूट सा छोटू सा डॉग है। ये जो मेरे पीछे आप डॉग देख रहे हैं ना, ये काफी गुस्से में है। इसके पास शामीर आया, इसने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। मैं इसके पास आई, इसने मुझे भी कुछ खास लिफ्ट नहीं करवाई। अच्छा, ये देखने में इतना डेंजरस सा, स्केरी सा लग रहा था, लेकिन अगर आप इसके फेस पे थोड़ा सा गौर करें ना, तो ही इज सो क्यूट। सीरियसली, इसकी आईज इतनी मासूम सी लग रही थी और वो आराम से बैठ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक मिनट में ऐसे वो सख्त सा लग रहा था और एक मिनट में वो इतना मासूम बन गया। A few moments later. ज़ू से 10 मिनट्स की ड्राइव पे आपको मिल जाती है हाईएस्ट फ्लैग प्लेस। ये देखें जी, हाईएस्ट नेशनल फ्लैग, इनॉग्रेशन बाय मलिक रियाज हुसैन, चेयरमैन बहरिया टाउन। ये प्लेस मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा होता है, सेकेंडली यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है और ग्रीनरी तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हम हैं और हम तीनों के साथ भी बस हम ही हैं। फ्लैग आज नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, शायद बारिशों की वजह से उतार लिया है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट फ्लैग भी आप देख सकते हैं। और ये छोटी छोटी खुशियाँ हम लेके आए थे जो मैं बिल्कुल नहीं खाती, रोल, समोसे, और साथ में है थोड़ी सी समोसा चाट और ये है मीठी चटनी। प्लेट्स वाला तो हम लेके आए नहीं हैं, तो बस अब इसी तरह से हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो चले मैं रील्स बनाती हूँ, खाती तो ये मैं हूँ नहीं, तो रील्स के तो काम आएगा। ये देखें जी, ये है समोसा और साथ है व्यू। यूजुअली मैं शेयर करती हूँ ना टी विद व्यू, आज मैं शेयर कर रही हूँ समोसा विद व्यू। और आपको कैसा लग रहा है आपने मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जब तक वकास और शामीर ये इंजॉय कर रहे हैं, चलें हम अजान सुनते हैं। ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ना रोज़ा अफ्तार हो रहा हो, जैसे रमज़ान में फीलिंग आती है ना, हम आउटडोर अफ्तारी के लिए जाते हैं और अजान होते ही बस स्टार्ट हो जाते हैं, वैसी फीलिंग आ रही थी। अजान के अल्फाज ऐसे दिल को सुकून देते हैं ना, और ऐसे लगता है जिस तरह ना दिल में जो दुआएं चल रही हैं ना, सबकी सब कबूल हो गई हैं। बस मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं कबूल और मंजूर फरमाएं। शामीर और कास बैठ के समोसा इंजॉय कर रहे हैं, आ जाएं हम साथ में व्यू इंजॉय करते हैं। आपको व्यू अच्छा लगा होगा। चलें अब थोड़ा सा खेलते कूदते हैं। शामीर भाग रहा है और मैंने शामीर को पकड़ना है, लेट्स गो। तो मुझसे पकड़ा नहीं गया, लेकिन हम लोगों ने अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, फिर रेस्ट की और यहाँ पे हम काफ़ी देर लेट के ना आसमान को देखते रहे। बहुत हमें अच्छा फील हुआ, साथ हमने खूब बातें की। और ये देखें सिटी व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। उम्मीद करती हूँ आपको छोटू सा फैमिली व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपनी फैमिली के साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, इस दुआ के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।